हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। चंडीगढ़ से, प्रदेश में दो आईएएस अधिकारियों का तबादला। चंडीगढ़ से सबसे बड़ी खबर, प्रदेश में दो आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव बने अमित अग्रवाल। एफएड के निदेशक दुष्मंता बेहरा को अतिरिक्त जिम्मेवारी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक नियुक्त किए गए। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, प्रदेश में दो आईएएस अधिकारियों का तबादला। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव बने अमित अग्रवाल। हैफेड के निदेशक दुष्मंता बेहरा को अतिरिक्त जिम्मेवारी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक नियुक्त किए गए। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर पहुंचा रहे, प्रदेश में दो आईएएस अधिकारियों का तबादला। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव बने अमित अग्रवाल। हैफेड के निदेशक दुष्मंता बेहरा को अतिरिक्त जिम्मेवारी। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता हमें इन दोनों ही खबरों को लेकर, इस नियुक्ति को लेकर, इन दोनों ही तबादलों को लेकर अपडेट दे पाएंगे बेहतर। राकेश बताएं। राकेश गुप्ता, आवाज पहुंच रही है क्या? मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, अब आपकी आवाज मिल रही है। इन दोनों तबादलों पर अपडेट चाहूंगी। अब देखिए, इन्हें तबादला कहें या फिर अतिरिक्त जिम्मेवारी कहें, दोनों जो हैं, दो तबादलों के तहत ही अतिरिक्त जिम्मेवारी है। आईएएस अधिकारी हैं 2007 बैच के डीके बेहरा, जो कि हैफेड के एमडी हैं, उन्हें अतिरिक्त रूप से अब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की जिम्मेवारी भी दी गई है। वे अपनी मौजूदा कामकाज के साथ जो है ये जिम्मेवारी भी देखेंगे। इसी के तरह जो है, जो अमित अग्रवाल हैं, आईएएस अधिकारी हैं 2003 बैच के, ये मुख्यमंत्री के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अब इन्हें मुख्यमंत्री का जो है एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी कि इनकी पदोन्नति की बात है, इन्हें जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब मुख्यमंत्री का लगाया गया है, ये पहले से मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जो डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और डीपीसीएस इन्हें डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम 1 की जिम्मेवारी थी, और इन्हें जो है पदोन्नत कर एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी दे दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो तबादलों के साथ अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, ये कहना है हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता का।